हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं मटर मशरूम की रेसिपी। फ्रेंड्स, मशरूम हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होती है और हमें ये सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। फ्रेंड्स, क्योंकि ये गर्म होती है इसीलिए हमें इसको सर्दी में ज़रूर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने 3 से 4 मिर्च, कटी हुई हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, और ये मटर मैंने 2 से 3 आलू काट लिए, और ये प्याज काट लिए, 2 प्याज काटी है मैंने इसमें, और ये तेज़पात का पत्ता। फ्रेंड्स, दालचीनी है, ये छोटी इलायची है, ये लौंग है, और ये बड़ी इलायची, और ये मैंने कुछ मशरूम काट कर रख लिए हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, ये सब्जी काटने से पहले सारे धो लें। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी। दालचीनी हम इस वजह से डालते हैं क्योंकि सब्जी का लुक शाही आता है। फ्रेंड्स, अब ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची, 2 लौंगे, 1 तेज़पात का पत्ता। अब हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लहसुन, प्याज, अदरक, ये तीनों मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा रोस्ट होने के बाद अब हम इसमें थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स 2 से 3 टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा रोस्ट होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी मटर भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम रोस्ट करेंगे जो हमने 2 से 3 आलू लिए थे वो हम थोड़ा सा रेडिश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हम सब्जी। इस सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। इसमें मैंने 1 तेज़पात का पत्ता डाल दिया है। हम चाहे तो थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंडर किया था वो हम इसको इस तेल में छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा चलाते रहेंगे जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। फ्रेंड्स, अब इसमें ऐड करेंगे मटर, उसको भी थोड़ा मसाले में फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा पकने के बाद अब इसमें हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं नमक। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम। अब हम इस मशरूम को भी थोड़ा मसाले में फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, हमें ये सब्जी लो फ्लेम पर ही बनानी है। फ्रेंड्स, अब इन सबको थोड़ा रोस्ट करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। फ्रेंड्स, इसमें पानी सिर्फ हम 1 कप ही डालेंगे ताकि हमारी सब्जी पक जाए। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ हमें 1 कप पानी ही डालना है ताकि हमारी सब्जी अच्छी तरह पक जाए। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रखने के बाद हम इसको चलाते हैं।
फ्रेंड्स, इसमें मैंने अब ऐड की है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से हमारी सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।